लिहाजा हज है क्या? हज असल में मखसूस अय्याम में आप नियत करते हैं, एहराम पहनते हैं और दो चीज़ों का नाम हज है। एक मैदान अराफात में आप ठहरते हैं, उसे वकूफ़ अराफा कहते हैं, और एक दस ज़ुलहिज्जा को आप जाके तवाफ़ करते हैं जिसको तवाफ़ ज़ियारा कहते हैं। अगर ये दो काम आप कर लें तो हज आपका हो गया। यानी फ़र्ज हैं और अरकान हैं, बाकी जो वाजिबात हैं उनकी ना करने की बिना पर गुनाहगार तो होंगे, लेकिन दो बड़ी चीज़ें। हज की फ़र्ज़ियत के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। और अल्लाह तबारक व तआला के लिए लोगों पर हज फ़र्ज़ है, उन लोगों पर के जो रास्ते की इस्तताअत रखते हैं। इसका मतलब है जिनको सफ़र हज की ताकत हासिल है, जो इसकी इस्तताअत रखते हैं उन पर हज फ़र्ज़ हो जाता है। तो इसका ख़ास तौर पर ख्याल रखना होगा। अब वो क्या शराइत हैं वो एक मुसलमान को मालूम होनी चाहिए, तो चंद चीज़ें मैं आपकी खिदमत में जिक्र करता हूँ। पहली चीज़ तो है कि मुसलमान का आकिल होना, दूसरा बालिग होना, यानी मुसलमान होना तो शर्त ही है, काफिर तो कर ही नहीं सकता, दूसरा आकिल होना, फिर बालिग होना, पागल मजनून पर लाजिम नहीं और इसी तरह नाबालिग पर लाजिम नहीं होता। इसके अलावा फिर ज़ाद राह का मालिक होना, ज़ाद राह का मतलब ये है कि आपके फ़्लाइट का किराया, फिर फ्लैट वगैरह, ये जैसे गवर्नमेंट कोई आपको पैकेज देती है या प्राइवेट हज करवाने वाले पैकेज देते हैं, उस तमाम उसके अखराजात आपके पास मौजूद हों। और अगर आप घर के कफ़ील हैं तो जब तक आप गैर मौजूद रहेंगे, घर वालों को नान नफका खर्च के पैसे वगैरह भी आपके पास हों, तब आप पर हज लाजिम होगा। ख़वातीन जो हैं उन पर भी इस तरह इतना माल जमा हो जाए तो हज लाजिम हो जाता है, लेकिन उनके हज की अदायगी के लिए शर्त यह है कि उनके साथ महरम होना चाहिए। यह आजकल एक नया कानून आप देखेंगे कि जी औरत बग़ैर महरम की भी हज कर सकती है। जहन में रखिएगा कि शरीयत हमारे नबी की है, किसी और की नहीं है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह तौर पर बयान फरमाया कि जो औरत अल्लाह तबारक व ताला उखरवी दिन पर ईमान रखती है वो बग़ैर महरम के 3 दिन से ज़्यादा सफ़र इख्तियार ना करे। जिसको फुकहा फासला अपने अंदाजे से कहते हैं कि कम अज़ कम 92 किलोमीटर दूर जाने का इरादा हो, तो औरत अगर तनहा सफ़र करेगी, तनहा का मतलब बग़ैर महरम के, चाहे काफिले के साथ जा रही हो, ये शरण जायज़ नहीं होता। हाँ, बहुत बूढ़ी खातून अगर हैं जो ज़ईफ़ हो चुकी हैं और गैर जाज़िब नज़र हैं, इनके लिए गुंजाइश निकल सकती है कि अहकाम में नरमी और आसानी होती है। बाकी जवान औरत, उधेड़ उम्र की औरत जो देखने में भी जाज़िब नज़र यंग नज़र आती है, इनके लिए शरीयत तौर पर जाना जायज़ नहीं है, इसलिए वो महरम का इंतज़ार करें। और औरत के लिए हज की फ़र्ज़ियत के लिए जो रकम दरकार है, उसमें औरत के लिए मज़ीद आसानी ये है कि इतना उसके पास माल जमा हो जाए कि वो अपना खर्च भी उठा सके और महरम का भी उठा सके। जब इतना जमा होगा और बाकी शराइत पाई जाएंगी तो उस पर हज की फ़र्ज़ियत का हुक्म लगाया जाएगा। अच्छा, ये अलग बात है कि औरत अपना हज का खर्चा दे, शोहर अपना दे, लेकिन औरत के पास इतना माल जमा होगा तो इस पर हज फ़र्ज़ होगा, वरना नहीं होगा। इसी तरह तंदुरुस्त होना और बीना होना, बीना का मतलब आँखें उसकी होनी चाहिए, नाबीना पे हज फ़र्ज़ नहीं होता। तो घर के जिस फ़र्द में ये तमाम शराइत जमा हो जाएं कि वो हज का ख़र्चा उठा सकता हो, आकिल बालिग मुसलमान है तो, और घर अगर कफ़ील है तो पैसा दे के जा सके, तो उस पर हज फ़र्ज़ हो गया। अब अगर वो ताखीर करेगा तो गुनाहगार होगा। इसलिए हर शख्स को अपना अपना हिसाब किताब करना चाहिए। बाज़ औक़ात बहू पर हज फ़र्ज़ हो रहा होता है, बेटे पर हो रहा होता है, माँ बाप पर नहीं, बाज़ औक़ात वालदा पर हो रहा होता है, वालिद के ऊपर नहीं, लेकिन हम चूँकि इन मसाइल को नहीं जानते तो साल हर साल उसको हम आगे पीछे करते रहते हैं और गुनाहगार होते रहते हैं। बिला उज़र 1 साल की ताखिर करना भी गुनाह है। इस पर मैं वईद आपको अर्ज़ करता हूँ। तो हज की बड़ी फजीलत है, अगर अल्लाह ताला मौका दे तो ज़रूर हज करें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान को जहन में रखें, जो बुखारी और मुस्लिम, बुखारी का फरमान है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने हज किया और फोश कलामी और गुनाह से अपने आप को रोका रखा तो वो गुनाहों से ऐसा पाको साफ होकर लौटेगा जैसे आज ही अपनी वालदा के पेट से पैदा हुआ है। यानी उसके तमाम सगीरा कबीरा ज़ाहरी बातें गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। इसलिए जब भी आपके पास या आपके अंदर ये शराइत जमा हो जाएं तो फौरन से पेशतर हमें हज करना चाहिए।